और बीजेपी से बगावत करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य आजकल बीजेपी पर जमकर बरस रहे हैं। एक सभा में उन्होंने बीजेपी पर जमकर शब्द बाण चलाए। एक मिनट में आपको पूरी खबर दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर तीसरे चरण के अंतिम दौर में नेताओं ने जमकर पसीना बहाया। इसी कड़ी में औरैया में बीजेपी के बागी और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने जनसभा की। मौर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार देश को बांटने का काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास का नारा जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि काम से ज्यादा जुमलेबाजी है। जिसने भी बीजेपी का साथ दिया उसके साथ विश्वासघात हुआ। रेखा वर्मा के घर में भी भाजपा के लोगों ने हाथ उठाने का काम किया है। ये घर में खून डालते हैं, राज करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी छोड़कर उन्होंने ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। अब जनता 10 मार्च को इनकी गर्मी निकालेगी। अरे योगी बाबा, तुम क्या गर्मी निकालोगे? स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव की अगुवाई में बने महागठबंधन की आंधी चल रही है, जिसमें योगी सरकार का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।